समस्या कई वर्षों से हम इसको झेल रहे हैं और बड़ी गंभीर समस्या है। आखिर प्रदूषण के कारण से स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है जो प्रदूषण होता है, तो हमारी सबकी जिम्मेवारी है, हम उसको ठीक करने के लिए पहले भी लगे हैं। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश दिए हैं, कल हमको जो निर्देश मिले हैं उसके अनुसार जैसे स्कूल कॉलेज हैं उनको कुछ समय के लिए बंद करना है, इंडस्ट्री जो है वो कुछ समय के लिए बंद करने की बात आई है, खास करके जो कोयले से चलने वाली इंडस्ट्री है, हमारे कुछ थर्मल प्लांट भी बंद किए गए हैं, वाहन जो हैं डीजल के पेट्रोल के 10 साल और 15 साल के जो ज़्यादा पुराने हो गए उनको सड़कों से हटाने की बात की गई है, और हम विचार कर रहे हैं कि ऑड इवन का भी अगर कोई प्रपोजल एक आदर में सब लोगों ने मिलकर अगर विचार किया उसकी सहमति दी तो वो भी हम करने वाले हैं। और कुल मिलाकर ये समस्या गंभीर है। आज गुरुग्राम में एक कमेटी हमने इंजीनियर्स की बनाई है जिसमें हमारे कमिश्नर MCG और DC साहब भी ये सब मिल करके उस कमेटी में डिपार्टमेंट्स विभिन्न डिपार्टमेंट्स जो इंजीनियर्स जो हैं बैठ करके कोई उसका और कोई व्यवस्था बनाई जा सकती है जिसमें से प्रदूषण को हम कम कर सकें, तो इसके लिए विचार करेंगे और निश्चित रूप से प्रदूषण खत्म हो ये लड़ाई हमने लड़नी है। किस प्रकार से पर्यावरण बना रहे ये हम सबके लिए बहुत, जो प्रदूषण होता है तो हमारी सबकी जिम्मेवारी है, हम उसको ठीक करने के लिए पहले भी लगे हैं। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश दिए हैं, कल हमको जो निर्देश मिले हैं उसके अनुसार जैसे स्कूल कॉलेज हैं उनको कुछ समय के लिए बंद करना है, इंडस्ट्री जो है वो कुछ समय के लिए बंद करने की बात आई है, खास करके जो कोयले से चलने वाली इंडस्ट्री है, हमारे कुछ थर्मल प्लांट भी बंद किए गए हैं, वाहन जो हैं डीजल के पेट्रोल के 10 साल और 15 साल के जो ज़्यादा पुराने हो गए उनको सड़कों से हटाने की बात की गई है, और हम विचार कर रहे हैं कि ऑड इवन का भी अगर कोई प्रपोजल एक आदर में सब लोगों ने मिलकर अगर विचार किया उसकी सहमति दी तो वो भी हम करने वाले हैं। और कुल मिलाकर ये समस्या गंभीर है। आज गुरुग्राम में एक कमेटी हमने इंजीनियर्स की बनाई है जिसमें हमारे कमिश्नर MCG और DC साहब भी ये सब मिल करके उस कमेटी में डिपार्टमेंट्स विभिन्न डिपार्टमेंट्स जो इंजीनियर्स जो हैं बैठ करके कोई उसका और कोई व्यवस्था बनाई जा सकती है जिसमें से प्रदूषण को हम कम कर सकें। समस्या कई वर्षों से हम इसको झेल रहे हैं और बड़ी गंभीर समस्या है। आखिर प्रदूषण के कारण से स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है जो प्रदूषण होता है, तो हमारी सबकी जिम्मेवारी है, हम उसको ठीक करने के लिए पहले भी लगे हैं। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश दिए हैं, कल हमको जो निर्देश मिले हैं उसके अनुसार जैसे स्कूल कॉलेज हैं उनको कुछ समय के लिए बंद करना है, इंडस्ट्री जो है वो कुछ समय के लिए बंद करने की बात आई है, खास करके जो कोयले से चलने वाली इंडस्ट्री है, हमारे कुछ थर्मल प्लांट भी बंद किए गए हैं, वाहन जो हैं डीजल के पेट्रोल के 10 साल और 15 साल के जो ज़्यादा पुराने हो गए उनको सड़कों से हटाने की बात की गई है, और हम विचार कर रहे हैं कि ऑड इवन का भी अगर कोई प्रपोजल एक आदर में सब लोगों ने मिलकर अगर विचार किया उसकी सहमति दी तो वो भी हम करने वाले हैं। और कुल मिलाकर ये समस्या गंभीर है। आज गुरुग्राम में एक कमेटी हमने इंजीनियर्स की बनाई है जिसमें हमारे कमिश्नर MCG और DC साहब भी ये सब मिल करके उस कमेटी में डिपार्टमेंट्स विभिन्न डिपार्टमेंट्स जो इंजीनियर्स जो हैं बैठ करके कोई उसका और कोई व्यवस्था बनाई जा सकती है जिसमें से प्रदूषण को हम कम कर सकें, तो इसके लिए विचार करेंगे और निश्चित रूप से प्रदूषण खत्म हो ये लड़ाई हमने लड़नी है। किस प्रकार से पर्यावरण बना रहे ये हम सबके लिए बहुत चिंता।